ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸਮੇ ਟੀਚਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ये कैटेगरी इंटर्नशिप वीज़ा की। इंटर्नशिप में स्टूडेंट जो एज होनी चाहिए 18 to 30 years और उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या कोई अच्छा डिप्लोमा कंप्लीट की है, दैट शुड बी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, तो उसके बाद 1 year उनकी इंटर्नशिप जो लगती है यहाँ होटल्स में वो कंप्लीट होनी चाहिए और दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अब उसके बाद टीचर्स जिन्होंने BEd, NTT, ETT जिसमें कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, रोपड़ में एक ETT वाला कौन सा एक इंस्टीट्यूट है वो चलेगा, तो हर स्टेट की एक एक दो दो यूनिवर्सिटी हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये इसमें जब स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो ये नहीं कि उसका 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ये इंटर्नशिप वीज़ा है। मीन्स स्टूडेंट ने पढ़ा और मैक्सिमम 1 year या 6 month काम किया और उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे जा सकते हैं और इंटर्नशिप ये पेड इंटर्नशिप होती है, उसके थ्रू वो जा सकते हैं, इसमें IELTS नहीं चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर के साथ मान लीजिए स्कूल है या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के होटल्स हैं तो उनके साथ इंटरव्यू होता है, दैट मीन्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक होनी चाहिए, 6 band जितना आपका कम्युनिकेशन का लेवल होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ वी डोंट नीड IELTS नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो स्पीकिंग है कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे होने चाहिए। तो आपका जो है हमें IELTS नहीं चाहिए, टाइम सेव कर रहा है, लेकिन एज जो है 18 to 30 होनी चाहिए, 30 से ऊपर हम नहीं अप्लाई कर सकते और आप फ्रेश पास आउट होने चाहिए, जैसे BEd अभी आपने किया है या होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा आपने विद इन 1 year या BEd विद इन 1 year किया, 1 साल पहले किया और 6 महीने या 1 year का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल करता है इंटर्नशिप वीज़ा के लिए जी। ठीक है, तो ये 18 months का मिनिमम वीज़ा लगता है और इसमें ये पेड इंटर्नशिप है। तो इसके जो हाँ जो बच्चों ने फंड्स दिखाने हैं वो ऑलमोस्ट 6 lakh के अराउंड इनके अपने अकाउंट में, बच्चे के अपने अकाउंट में होने चाहिए। तो जब वो जाने की तैयारी करते हैं, मीन्स आज इंक्वायरी जनरेट हुई है उनकी और ये एलिजिबल हैं, तो उसी टाइम इनको ये फंड्स अपने अकाउंट में डाल लेने शो करने के लिए। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेता है, सिलेक्शन होती है और उसके बाद नॉमिनेशन आती है, फिर वीज़ा फाइल होती है, तो 3 to 4 महीने तक का इनका मैक्सिमम टाइम होता है। 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है क्योंकि सिलेक्शन में कई बार थोड़ा सा, और अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गई तो उससे मतलब वीज़ा रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे इनके, क्योंकि एम्प्लॉयर का अगर नॉमिनेशन मिल गई है तो फिर तो नेचुरल है इनका बहुत जल्दी हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम फॉर द इंटर्नशिप वीज़ा, फॉर द जो एज मैंने क्राइटेरिया आपको बताया। हाँ, प्लेसमेंट के अगर आप पूछें तो प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, क्वींसलैंड में हो सकती है, ब्रिस्बेन साइड में, आपकी मेलबर्न में हो सकती है, सिडनी में हो सकती है,
तो ज़्यादातर ये तीन एरियाज हैं जिनमें प्लेसमेंट होती है इंटर्नशिप वीज़ा में. एंड इट्स समथिंग विच यू कैन से कि जिसमें वीज़ा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपका सारा कुछ बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट कोई फेक नहीं होना चाहिए. फेक तो क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी पूरा जो हमने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं वहाँ से होनी चाहिए एंड कोई एक्सपीरियंस आपका फेक नहीं होना चाहिए, तो आपका वीज़ा इसमें ऑलमोस्ट आना ही आना है. इज नॉट ईजी जिदे विच तुहाडा इंटेंशन भी क्लीयर करना कि तुसी वापस आना है और तुहाडे जिहड़ा प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन उत्थे कोई इंटरव्यू नहीं हुंदी है टूरिस्ट वीजे ते तुहाडी एक जिहड़ी फाइल है वह अपने आप च वीज़ा ऑफिसर के सामने बोलती हुए कि जिहड़ा तुहाडा वापस आने का यह रीज़न है, उत्थे जाण का यह रीज़न है और उत्थे किस वजह नाल तुसी मतलब जिहड़ा तुसी की करना चाह रहे हो उत्थे जाके, तो ये सारी चीज़ा अगर तुहाडी हुंदियां ते टूरिस्ट वीज़ा इज वेरी ईजी. और सुपर वीज़ा का तो मैं दस ही दिता है, कोई भी बच्चा जिहड़ा उत्थे पी आ रहा है पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अदर दैन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते सुपर वीज़ा दे विच. ओके ठीक है बिल्कुल. सो मैनू उम्मीद है कि बहुत कुछ क्लीयर हो चुका है तुहानू अज दी इस वीडियो के जरिए. फिर भी तुहाडा कोई डाउट कोई सवाल होवे तां जरूर जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है नैविगेटर्स ओवरसीज है इस उपर कॉल करके तुसीं होर जानकारी जरूर लै सकते हो. सो मैम कई बार साडे कोल भी सवाल आंदे ने कि राइट टाइम की होना चाहिए अगर असीं टूरिस्ट वीज़ा लई अपलाई. थैंक यू.